न्यूज पे आज झारखंड देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रघुवर दास प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने धनबाद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार को जनता आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी और ममता बनर्जी की सरकार का अंत समय आ चुका है। उन्होंने कहा बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता ने पंचायत चुनाव में सुश्री ममता बनर्जी की ताश आई सरकार को संदेश दे दी है। दूसरी बड़ी बात सीपीएम कांग्रेस सब पीछे ये संदेश ये जनादेश तानाशाही ममता बनर्जी की सरकार को सचेत होनी चाहिए। लोकतंत्र में असली स्वामी जनता हो। जिस तरह आसनसोल भरपुर में अवैध कोयला खनन का काम करा दिया जाता है हमारा पूरा धनबाद प्रदूषण हो। हमने पुलिस प्रशासन को ये कहा कि जितना आसनसोल अवैध कोयला चला सब प्राक्सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अररिया में बड़ा विरोध झेलना पड़ा है। अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके खिलाफ नारे लगाए गए। उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीईटी अभ्यर्थियों ने पहले से ही विरोध की घोषणा कर रखी थी। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे और मंच पर उनके पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया। टीईटी अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चुनावी सभा में पहले से ही सैकड़ों सीटी टीईटी अभ्यर्थी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही टीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीईटी अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। टीईटी अभ्यर्थियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके खिलाफ नारे लगाए गए। उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीईटी अभ्यर्थियों ने पहले से ही विरोध की घोषणा कर रखी थी और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। टीईटी अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चुनावी सभा में पहले से ही सैकड़ों सीटी टीईटी अभ्यर्थी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के पहुंचते ही टीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और टीईटी अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे थे। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने सासाराम में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने शहरों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य पार्षद कंचन देवी, कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के गरीबों के लिए और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है और उसी के कारण आज हम लोग सासाराम में रोहतास में आकर के किए हैं। हजारों महिलाएं आकर्षित हैं, लोग चाहती हैं कि हम काम करें और जो स्किल डेवलपमेंट का काम है इनको ट्रेनिंग दे करके इनको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाने का उस काम पर भी बहुत फायदा होगा इसकी। ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड पिछले कई वर्षों से झारखंड में शिक्षा का अलग जगह रहा है। इसी कड़ी में ICFAI यूनिवर्सिटी छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए BBA LLB की पढ़ाई इस साल से शुरू करने जा रही है जिससे बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल सके। छात्रों की पढ़ाई करने के लिए रांची से बाहर या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था लेकिन सीट कम होने के कारण उन्हें लॉ पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसको दूर करने के लिए ICFAI यूनिवर्सिटी ने इस साल से BBA LLB की पढ़ाई शुरू करवाने का फैसला लिया है। साल से लेके हमारा यूनिवर्सिटी में एक नया प्रोग्राम हम तो ज्वाइंट कर स्टार्ट करने वाले हैं। वो तो प्रोग्राम है BBA LLB ऑनर्स। ये प्रोग्राम है 5 साल का होता है। ये प्रोग्राम को हमको
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमको अनुमति मिला था। ये प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम करते हैं इसको बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। हम जो देखे थे कॉरपोरेट कंपनीज में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट कोर्ट्स में, ये सभी जगह इसको तो बहुत दिनों अच्छा नौकरी मिलने वाला है। वैसे ही चाहे तो ये बच्चे पास करने के बाद अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।